सैर सपाटे करके यार हम लोग वापस होटल आ गए थे। हमने कहा घर जाकर होटल जाके कुछ खाते पीते हैं, सालन गर्म करा, सालन गर्म करके खाते हैं। और आज कल से भी ज़्यादा मज़ा आया, इसलिए आज तुम्हारे हेलो जी भाई आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो भाई तुम लोग, ठीक हो तुम्हारा भाई? यार अभी सो के उठा, बल्कि मैं रेडी शेडी हो गया हूँ यार, तैयार हो गया। तुम्हें अपने कपड़े जरा थोड़ा अंदर जाकर दिखाता हूँ, अभी बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है। तो तुम लोगों ने अभी तक रहमान हैटी व्लॉग गैंग को ज्वाइन नहीं किया था, जल्दी से कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी दबाओ ताकि तुम्हें मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सब्सक्राइब लाजमी करना है। आज तुम्हारा भाई यार जाने लगा बाबू साहब टॉप पे, और जल्दी से बहुत अच्छा मौसम होगा यहाँ पे। तो आज मैदान में यार धूप निकली हुई है सारी, पता नहीं क्यों अलग है, वेदर में बारिश आ गई। तो वेलकम बैक हो गया तुम लोगों का रहमान हैटी व्लॉग गैंग के अंदर। मैं कहा यार जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मैं अपने साथ ले आया, देखो इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। यार एक पराठा ले आना और ना एक हाफ फ्राई एक फुल फ्राई। पराठा खाना नहीं, बस एक ही पराठा ले आओ। नाश्ता तुम्हारे भाई का आ गया, उमर भाई को मैंने कहा था पराठा खा ले यार एक, और इसने खाया ही नहीं। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैं खाता हूँ आज। मैं तुम्हें नाश्ता सच्ची बता दो यार, पराठा थोड़ा सख्त नहीं है यार। आओ उसे बुलाइए जरा अपने। हेलो 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 भाई, यार अच्छा पराठा। और उम्र यार नाश्ता करके वापस होटल में आ गए थे। हमने कहा यार ज़रा होटल में फ्रेश फ्रुश हो गए एक बार और फिर चलते हैं। गाड़ी भी रेडी है हमारी और हम निकलने लगे हैं सीधा बाबू साहब। रास्ते में आएंगे दो चार झीले, हम वो भी दिखाते हुए जाएंगे। ये है लुलु साहब झील, जहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टे किया है, यानी इस पॉइंट पे अभी हम आके रुके हैं होटल से निकलने के बाद। चलो और इसे नीचे जाके देखते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यार यहाँ पे, और देखो काफ़ी लोग भी आए हुए हैं भाई, यानी कि मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, गर्म नहीं है, बड़ी दुनिया भी है यार। चलाओ आगे से हो जाके आगे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। जब आए गए हैं एक पेंडू मेरे साथ आया, मैं ऊपर भाग गया, वापस ही भाग गया। रास्ता देखो यार कितनी ऊपर से नीचे आया हूँ। चलो ऊपर ही चलते हैं, आगे और भी झील आ जाएगी। तो गाइस बाबू साहब टॉप मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया था, और यहाँ से तुम सारा व्यू देखो, ये देखो कितना मज़ा आ रहा है यार। और मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि और ऊपर चलो, ये लोग ऊपर जा ही नहीं दिया, मैं अकेला ही जाना पड़ेगा मुझे, मेरे बगैर तुम लोग क्या कहते हैं इसको, ज़िपलाइन भी नहीं ले सकते। बाबू साहब टॉप पे पहुँच चुके थे, और अब्दुल्ला साहब बाबू साहब टॉप के ऊपर ही टॉप पे बैठ गए हैं जाके, और इनसे नीचे नहीं उतरा जा रहा है। ये भाई को कह रहे कि हमें गोद, मुझे गोद ले लो यार, ये कोई वादा मुझे गोद ले लो, जल्दी से नीचे। तुम्हारा भाई आज जब बाबू साहब टॉप पे आया था ना अभी पहले, तो ये कुछ भी नहीं था, इतना सारा बाजार नहीं था, जो अब सारा बाजार लग गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो वो भी लग गया है, क्या नाम है उसका, जिप लाइन बोलते हैं इसको, और काफ़ी लोग ले भी रहे हैं जिप लाइन। चलो तो गाइस बाबू साहब टॉप मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया था, और यहाँ से तुम सारा व्यू देखो, ये देखो कितना मज़ा आ रहा है यार। और मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि और ऊपर चलो, ये लोग ऊपर जा ही नहीं दिया, मैं अकेला ही जाना पड़ेगा मुझे, मेरे बगैर तुम लोग क्या कहते हैं इसको, जिप लाइन भी नहीं ले सकते। ये देखो गाइस कितने खूबसूरत पहाड़ है यार, इतना मज़ा आ रहा है। और मैंने तुम्हें बड़ी ऊपर आके दिखा दिया, और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही यार, और ऊपर नहीं जा सकते भाई। देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा है, लोग यार पहाड़ी से वापस नीचे आ गए। तो नीचे आके भाई हम लोग जिंक को पड़ी हुई थी, आग लगी हुई थी जिप लाइन लेने की, और जिप लाइन लेने लगे यार। मैं कह रहा हूँ वो वाली लेते हो ज्यादा ऊंची है यार, बहुत ऊंची, गिरेंगे बचेंगे भी नहीं, यहाँ बच तो जाएंगे, गिर के बच जाएंगे यहाँ से। हाँ जी, तो यार परी ने किट पहन लिया, अब रहमान शेख की बारी। मैं तो भाई सबसे एंड पे जाऊँगा मैं, क्योंकि कैमरा पकड़ना है, या आगे आगे होंगे, मैं इनके पीछे पीछे आऊँगा, है ना, यही बात है। तो भाई मैं, हम लोग जा रहे हैं अब जिप लाइन लेने, आ जाओ तुम भी देखो, एंजॉय करो। ये रहा भाई हमारा उमर आते हुए, उमर
हाँ दिला। तो गाइस हम लोग ना यार वहाँ से क्या नाम लेते हैं बाबू साहब टॉप से वापसी पर वहाँ पे बैठ गए थे काफी देर वहाँ पे बैठे थे। क्या नाम है उसका दुल्ली साहब झील पे। उसके बाद वहाँ से हम निकले हैं इस जगह पे आ गए हैं। जगह देखो बहुत प्यारी है यार। इतना नारायण में मैं पहले कभी भी नहीं घूमूंगा। जगह बहुत प्यारी है। हम लोग ये दरिया के पास ही खड़े हैं। ये भाई वगैरह ने गोश्त में पुलाव बना के खाई है। ये देखो हमने इनसे लेके खाई है नदीमा मुने। हम सारे भी खा रहे हैं। मैं टेस्ट करके बता दूं कैसी है। शमा के ऊपर शायद शायद भाई वगैरह बड़ा भैंचोल है वो। तो ना नदीम भाई गाली दे रहा था, गोली मार दी उसको। मेरे रिश्तेदार हैं पर हैं बड़े भैन। ठीक है यार मजेदार। अरे भाई मेरे पास अरे भाई हम लोगों की तो दावत हो गई यार। इतने अच्छे मौसम में इतनी अच्छी जगह पे भाई ये पीछे लोग देख रहे हो तुम लोग। इन्होंने तो बड़े गोश्त में बिरयानी पुलाव बनाई थी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी यार। मज़ा आ गया यकीन करो। मुफ्त की दावत और खाए ना हमने भी पेट भर के खाया भाई। ये देखो क्या मिले हमें। उन्होंने भाई अपनी गाड़ी में फ्रिज कूलर ओवन सब कुछ रखा हुआ है। कोई मसला ही नहीं है लाइट बत्ती आने का। सैर सपाटे करके यार हम लोग वापस होटल आ गए थे। हमने कहा घर जाकर होटल जाके कुछ खाते पीते हैं। सालन गरम करा सालन गरम करके खाते हैं। और आज कल से भी ज़्यादा मज़ा आया इसलिए आज तुम्हारा भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करा है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करो और इन्जॉय करो यार। जरा मौसम बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कल तक ये देखो पार्किंग बिल्कुल खाली थी और आज पार्किंग भी फुल भरी हुई है भाई। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करो। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाओ ताकि तुम्हें मेरे नोटिफिकेशन मिलते हैं। और सब्सक्राइब लाजमी करना। लोग फिर मिलते हैं और का फिर